दोस्तों स्वागत है आपका ECG लर्निंग ट्यूटोरियल वीडियो के दूसरे पार्ट में इस ट्यूटोरियल वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने ECG के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था आज के वीडियो में हम ECG स्ट्रिप में प्रेजेंट डिफरेंट वेव्स, सेगमेंट्स और इंटरवल को समझेंगे अगर आप लोगों ने अभी तक पहले पार्ट को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन को क्लिक कर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों एसीजी के बेसलाइन वोल्टेज को आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के रूप में जाना जाता है इस बेसलाइन से पॉजिटिव या निगेटिव डिफ्लेक्शन को वेब कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पर डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन इस बात पर डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स इलेक्ट्रोड की ओर जा रहा है या उसे दूर जा रहा है सामान्यतः इलेक्ट्रोड के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाने वाला इलेक्ट्रिकल इंपल्स आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से पॉजिटिव या अपराइट डिफ्लेक्शन जनरेट करता है जबकि इलेक्ट्रोड के पॉजिटिव टर्मिनल से दूर जाने वाला इंपल्स आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से डाउनवर्ड या निगेटिव डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करता है वहीं जब डिपोलराइज वेब लीड से राइट एंगल पर रहती है तो इक्वी फेजिक डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करती है दोस्तों एक कार्डियक साइकिल में जो भी इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होता है उसे ईसीजी कॉम्प्लेक्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है इस ईसीजी कॉम्प्लेक्स में फाइव डिफरेंट वेब होते हैं जो पी क्यू आर एस और टी से इंडिकेट किया जाता है इस पर क्यू आर को एक यूनिट माना जाता है जिसे क्यू आर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है इसके अलावा कभी कभी एक यू वेब्स भी दिखाई पड़ता है तो चलिए सबसे पहले पी वेब्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों पी वेव इसी वेब फॉर्म में सबसे पहला कॉम्पोनेट है जो आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है यानी कि जब ऐसे नोड में एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है जो सबसे पहले राइट और फिर लेफ्ट आर्ट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इस कॉन्ट्रैक्शन से पी वेव्स फॉर्म होता है नॉर्मल पी वेव स्मूथ राउंड और अपराइट होता है यूजुअली पी वेव्स का फर्स्ट पार्ट राइट आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन और सेकेंड पार्ट लेफ्ट आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है पी वेव का नॉर्मल ड्यूरेशन 0.10 पॉइंट सेकेंड या इससे भी कम का होता है यानी कि तीन छोटे बॉक्स के बराबर साथ ही इसका एम्पलीट्यूड दो से तीन मिलीमीटर का होता है दोस्तों अगर पी वेब का डिफ्लेक्शन और एम्पलीट्यूड नॉर्मल है एग्जाम्पल के लिए यदि लीड टू में पी वेव राउंड अपराइट और स्मूथ है और प्रत्येक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले पी वेव है तो आप ऐसा मान सकते हैं कि इम्पल्स ऐसे नोट से ओरिजिनेट हुआ है यानी कि नॉर्मल साइनस रिदम है वहीं अगर लीड लीटू में पी वेब ब्रॉड नॉस्ट यानी कि बाइफिट सेब का है तो यह लेफ्ट आर्टर एलार्जमेंट का साइन हो सकता है जबकि टॉल पिग्ड पी वेब राइट आर्टरल एलार्जमेंट का साइन होता है दोस्तों पी वेव के बाद हार्ट में वेंट्रिकल के डिपोरशन के कारण वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके वजह से ईसीजी स्ट्रिप पर एक लार्ज डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है इसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं एक्चुअली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तीन डिफरेंट वेब फॉर्म से बनी होती है इस वेब फॉर्म में पहला डिफ्लेक्शन निगेटिव या डाउनवर्ड होती है जिसे क्यूवेब कहा जाता है क्यू वेव के बाद एक पॉजिटिव टॉल डिफ्लेक्शन होता है जिसे आर वेव कहा जाता है और इसके बाद फिर एक डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होता है जिसे एस वेव कहा जाता है क्यू आर एस का नॉर्मल ड्यूरेशन जीरो पॉइंट वन टू सेकेंड का होता है यानी कि तीन स्मॉल स्क्वायर ग्रिड के बराबर इसके ऊपर का ड्यूरेशन एबनॉर्मल क्यू आर एस को इंडिकेट करता है यूजली जब एवी नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स बंडल ब्रांच के थ्रू वेंटिकल तक पहुंचती है तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है अगर इसके कंडक्शन में कहीं प्रॉब्लम हो जाए तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन बढ़ जाता है वाइड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और एबरेंट वेंट्रिकुलर कंडक्शन को इंडिकेट करता है दोस्तों अगर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा आर वेव्स है या एस वेव है तो सेकेंड आर वेव को आर प्राइम और सेकेंड एस वेव को एस प्राइम वेव कहा जाता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बाद टी वेव जनरेट होती है टी वेव वेंट्रिकल के रिपोलराइज होने की वजह से फॉर्म होती है EVR और लीड को छोड़कर मोस्टली लीड में वेव अपराइट यानी कि पॉजिटिव होता है नॉर्मल टी राउंड और एसिमेट्रिक होता है यानी कि टी वेव का सेकेंड पार्ट का झुकाव फर्स्ट पार्ट के कंपेरिजन में ज्यादा होता है अगर टी वेव सिमेट्रिकल टॉल फ्लैट बाईफेजिक या इन्वर्टेड दिख रहा है तो यह हार्ट डिजीज को इंडिकेट कर सकता है दोस्तों एक ईसीजी कॉम्प्लेक्स में कई सारे लाइन डिफरेंट वेव्स को कनेक्ट करता है इसे हम इंटरवल या सेगमेंट्स के नाम से जानते हैं लेकिन सेगमेंट्स और इंटरवल में कुछ डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है दोस्तों सेगमेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी टू को कनेक्ट करता है जबकि इंटरवल में कम से कम से एक और एक और को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट लाइन शामिल होती है जैसे कि पी सेगमेंट पी वेब्स के एंडिंग से क्यू आर कॉम्प्लेक्स के स्टार्टिंग तक को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट लाइन है जबकि पी इंटरवल पी वेब्स और पी वेब के एंडिंग से क्यू आर कॉम्प्लेक्स को कनेक्ट करने वाली लाइन है दोस्तों अगर पी इंटरवल की बात करें तो यह पी वेव से क्यू कॉम्प्लेक्स के स्टार्टिंग तक का टाइम होता है इसका मतलब है कि पी इंटरवल आर्टेरियल डीपोर के स्टार्टिंग से वेंट्रिकुलर डिपोर के बीच का टाइम पीरियड है इंटरवल का नॉर्मल टाइम 0.12 से से 0.20 यानी कि यूजुअली पांच स्मॉल स्क्वायर ग्रिड के बराबर होता है शॉर्टर या वाइडर पी इंटरवल हार्ट के कंडक्शन सिस्टम में डिफेक्ट को इंडिकेट करता है शॉर्ट पी इंटरवल का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऐसे नोट को छोड़कर कहीं और फॉर्म हो रहा है जबकि लॉन्गर पीआर इंटरवल कंडक्शन डिले को इंडिकेट करता है नाउ अगर सेगमेंट की बात करें तो यह क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के एंड से टी के स्टार्टिंग तक का पार्ट होता है नॉर्मल एस टी सेगमेंट फ्लैट यानी आइसो इलेक्ट्रिक होता है एस टी सेगमेंट वेंटिकुलर रिपोलेशन के एंड से वेंटिकुलर रिपोलराइजेशन के स्टार्टिंग तक के टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है अगर एस टी सेगमेंट बेस लाइन से वन मिलीमीटर mm या इससे ज्यादा नीचे डिप्रेस हो जाए या फिर एलिवेट हो तो यह एबनॉर्मल हार्ट को इंडिकेट करेगा यूजली एस टी एलावेशन मायोकार्डल इंजरी में देखा जाता है जबकि एस टी डिपोरेशन मायोकार्डल स्कीमिया वेंटिकुलर हाइपरट्रॉपी बंडल ब्रांच ब्लॉक का साइन हो सकता है दोस्तों क्यूटी इंटरवल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्लस एस टी सेगमेंट और टी वेब से बना होता है यानी कि क्यूटी इंटरवल वेंटिकुलर के स्टार्टिंग से वेंटिकुलर रीपोलराइजेशन के एंड तक के टाइम पीरियड को इंडिकेट करता है यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि क्यूटी इंटरवल पूरे वेंटिकुलर एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है हायर हार्ट रेट होने पर क्यूटी इंटरवल छोटा हो जाता है जबकि लोअर हार्ट रेट में यह लॉन्गर हो जाता है इसके अलावा एज और जेंडर पर भी क्यूटी इंटरवल डिपेंड करता है दोस्तों अगर हार्ट रिदम रेगुलर हो तो नॉर्मल क्यूटी टाइम दो वेव्स के 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 बीच डिस्टेंस हाफ से कम होना चाहिए इसके अलावा कभी कभी टी वेव्स के बाद एक छोटा स्मॉल राउंड अपराइट डिफ्लेक्शन भी दिखता है जिसे यू वेव्स कहते हैं ऐसा माना जाता है कि यू वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराज प्रोसेस का एक पार्ट है जनरली जनरलीब तब फॉर्म होता है जब हार्ट रेट 65 फाइव बीपीएम से कम हो जाए यानी कि ये हार्ट रेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों उम्मीद करता हूं जी ट्यूटोरियल का यह दूसरा वीडियो भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों इस ट्यूटोरियल वीडियो के थर्ड पार्ट में हम एसीजी को इंटरप्रेट करना सीखेंगे दोस्तों वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेलाइकन को जरूर प्रेस कर दें